हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कि घर में ऐसे कौन से पांच जीव आते हैं जिनके आने से हमारे घर में शुभ संकेत होते हैं, हमारे घर में धन का लाभ होता है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। मित्रों, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हर जीव में ईश्वर के वास को माना गया है। अगर किसी के भी घर में किसी भी जीव का आना शुभ माना गया है, मित्रों किसका अशुभ माना गया है, किसका शुभ माना गया है, इसके बारे में हमारे शास्त्रों में सब कुछ बताया गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर घर में यह पांच जीव आते हैं तो वह धन के लाभ के संकेत बताते हैं। मित्रों, जीव के घर में आने के धन के लाभ को बताया गया है। मित्रों, न केवल वास्तु शास्त्र में बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी इन जीवों के घर में आने को शुभ संकेत माना गया है। इनके आने से भविष्य में वह होने वाले लाभ का संकेत मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की भी वृद्धि होती है। तो मित्रों, अब बात करेंगे कि ऐसे कौन से जीव है जिनके घर में आने से हमें धन के लाभ का संकेत प्राप्त होता है। तो मित्रों, बात करेंगे तोते की। मित्रों, तोता अगर हमारे घर में आता है तो उसे शास्त्रों के अनुसार काफी शुभ माना गया है, क्योंकि इसका संबंध कुबेर से माना गया है। कुबेर जो कि धन के देवता है, इसके साथ ही यह कामदेव का वाहन भी है, इस वजह से तोता शुभ का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र में इसका संबंध बुध ग्रह से भी माना गया है। बुध ग्रह के प्रसन्न होने से हमारे सभी आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। तोते के घर में आने से धन लाभ और व्यापार में तेजी आती है। तोते को घर में धन में वृद्धि के सूचक को माना गया है, साथ ही यह अटका हुआ धन भी हमें प्राप्त करवा देता है। तो मित्रों, हमारा दूसरा जीव है कछुआ। मित्रों, कछुए के घर में आने को हमारे शास्त्रों में काफी शुभ माना गया है। वास्तु शास्त्र में जलीय जीव जैसे कछुआ और मछली का विशेष स्थान है। यह दोनों ही हमारे घर में आए तो इन्हें काफी शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जहाँ कछुआ आता है उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान विष्णु के कच्छप अवतार से इसका संबंध है, जिससे यह काफी पवित्र माना गया है। घर में इसका प्रवेश लक्ष्मी जी के आगमन को संकेत देता है। घर में कछुए से समृद्धि के साथ साथ सुख संपत्ति भी आती है। तो मित्रों, हमारा तीसरा जीव है दो मुहा सांप। अगर घर में दो मुहा सांप आता है तो इसे हमारे शास्त्रों में काफी शुभ माना गया है। इसका मतलब यह है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आई है, माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है, क्योंकि दो मुहा सांप लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है। बहुत दुर्लभ माना जाता है, आमतौर पर इसके दर्शन कहीं नहीं होते हैं। बहुत ही कम जगह ऐसी होती है जहां पर यह दो मुहे सांप दिखाई देते हैं, लेकिन अगर घर में यह आ जाए तो यह काफी शुभ माना जाता है। पहले के जमाने में जब दो मुहा सांप घर में आ जाता था तब लावा, धान और दूध सांप को देते थे ताकि वह घर में ही रहे। यह सांप किसी को भी नहीं काटता है। जिस घर में यह सांप आता है वहां धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती है, वहां धन हमेशा बढ़ता ही रहता है। तो मित्रों, हमारा चौथा जीव है मेंढक। अगर घर में मेंढक आ जाता है तो यह काफी शुभ माना गया है। दुनिया भर में मेंढक शुभ का प्रतीक माना गया है। चीन में इसे समृद्धि और धन के प्रतीक के चिन्ह के रूप में माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में भी मेंढक का घर में आना काफी शुभ माना गया है। मेंढक के घर में आने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वास्तु शास्त्र में मेंढक धन धान्य का देव माना गया है। न केवल हिंदू धर्म में बल्कि तमाम संस्कृतियों में मेंढक को काफी शुभ माना गया है तथा मेंढक को घर में पाला जाता है ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे, धन में कोई भी कमी ना आए। इसके साथ ही मित्रों, हमारा पांचवा जीव है काली चींटियां। मित्रों, काली चींटियों को घर में आने को काफी शुभ माना गया है। हमारे शास्त्रों में काली चींटियों के महत्व को काफी बताया गया है। काली चींटियों का घर में आना शुभ माना जाता है। काली चींटियों का संबंध शनि देव से है। मित्रों, अगर आपके घर में काली चींटियां आती है तो इसका मतलब है कि शनि देव आप पर प्रसन्न है, जो न्याय के देवता है। जिस घर में चींटियां समूह वन से आती है उस घर में सुख व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर वही उनके मुंह में अंडा लिए हुए होता है तो यह काफी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर में धन लाभ होने वाला है, यहाँ आर्थिक स्थिति अच्छी होने वाली है।
मित्रों अगर आपको हमारी इन जीवों से जुड़ी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।